रसलमेनिया 35 के लिए रोमन रेंस के प्रतिद्वंदी का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रसलमेनिया 35 के लिए अब बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं और रोड टू रसलमेनिया में रोमन रेंस के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया गया था, लेकिन अब इस हफ्ते मंडे नाइट रो में कंपनी ने रोमन रेंस के प्रतिद्वंदी का बुक कर दिया है। वर्तमान में रो रोस्टर में हील का मुख्य किरदार निभा रहे ड्रू मैकइंटायर रसलमेनिया 35 में रोमन रेंस के लिए खिलाफ मुकाबला लड़ने वाले हैं। आज रॉ में ड्रू मैकइंटायर ने रिंग में आकर रोमन रेंस को रसलमेनिया 35 के लिए चैलेंज दे दिया। भले ही रोमन रेंस ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है क्योंकि वो आज रॉ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन शायद ये पूरी तरह सुनिश्चित हो गया है कि अब रोमन रेंस रसलमेनिया 35 में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मुकाबला लड़ेंगे। ड्रू मैकइंटायर के इस चैलेंज के बाद सेथ रॉलिंस ने इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और वो बाहर आकर ड्रू मैकइंटायर से झगड़ने लगे, जिसे रोकने के लिए WWE के अधिकारियों को बीच में आना पड़ा। अब हमें लगता है कि अगले हफ्ते रॉ में रोमन रेंस के वापस आने के बाद एक सेगमेंट होगा और रोमन रेंस इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। हमें लगता है कि ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस के लिए बेहतर प्रतिद्वंदी है क्योंकि वर्तमान में ड्रू मैकइंटायर जिस तरह से खतरनाक हील के रूप में है, वो मुकाबले के दौरान बिग डॉग पर जरूर भारी पड़ेंगे। इसके साथ ही शायद कंपनी को रसलमेनिया 35 के बाद के लिए भी एक अच्छी स्टोरी लाइन मिल गई है, जो कि बहुत लंबे समय तक WWE यूनिवर्स में चर्चा का विषय बन सकती है। रोमन के खिलाफ इतने बड़े PVV इवेंट में ड्रू मैकइंटायर को आगे भेजना इस बात का साफ संकेत देता है कि अब समय आ गया है कि उन्हें बड़ी स्टोरी लाइन के लिए तैयार किया जाए। इसके बाद हमें ड्रू यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेस में आगे आते भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।